जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की प्रगति विहार कॉलोनी में बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने सेवानिवृत्त एसआई उत्तर प्रदेश के मकान को बनाया निशाना, लाखों का माल साफ। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद बाईपास रोड स्थित प्रगति विहार कॉलोनी में साईं मंदिर के निकट स्वर्गीय महिपाल सिंह पूर्व एसआई उत्तर प्रदेश पुलिस के बंद पड़े मकान में बीती रात चोरों ने निशाना बनाकर लाखों की नकदी व जेवर पर हाथ साफ कर घर के बहुमूल्य उपकरणों पर हाथ साफ किया व फरार हो गए। गृह स्वामिनी की बेटी बबीता सिंधु ने बताया कि अभी 2-3 दिन पहले हम लोग बिलारी किसी जरूरी काम से गए थे। हमारे घर के पास ही मेरी रिश्तेदार रहती हैं, जिन्होंने कल शाम तक ये बताया था कि घर पर सब कुछ सामान्य है। आज सुबह जब हम वापस आए तो देखा घर के ताले टूटे पड़े थे। पुलिस को सूचना देकर अंदर घुसे तो पाया कि चोरों ने पूरे घर के लॉकर व अन्य सभी कीमती सामानों को पूरी तरह से साफ कर दिया है और लॉकर में रखे 2.5 लाख रुपए भी गायब थे। पुलिस को सूचना दे दी गई है। क्या नाम है आपका, क्या घटना घटित हुई है? बबीता संधू नाम है मेरा। हमारे घर पे चोरी हुई है और हमारा एक मकान बिलारी में भी है, तो परसों हम लोग वहां गए हुए थे, यहाँ पे ताला लगा दिया था। आज सुबह जब हम लौटे यहाँ पर तो देखा हमारे घर का जो दरवाजे का जो मेन डोर है उसका ताला टूटा हुआ था। फिर हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस के साथ ही हम लोगों ने घर में प्रवेश किया तो यहाँ पर सारे कमरे के ताले टूटे हुए थे, सारी सेफ अलमारी, सारे लॉकर वगैरह है वो सारे टूटे हुए, और सारा जो सामान है वो हमारा, वो सारा जेवर है, कैश है, जरूरी कागजात वगैरह जो थे हमारे सारे मकान के और सब चीज के, वो सारे कागज वगैरह सब गायब है। घर में सामान बिखरा हुआ है, थोड़ी तोड़फोड़ भी करी है घर की। आपके घर में कौन कौन रहता है, कितने लोग? हमारे घर में मम्मी और बड़ी वाली भाभी और मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम इतने लोग घर में रह रहे थे। लगभग कितना कैश होगा? कैश तो हमारे करीब 2-2.25 के आसपास था, क्योंकि अभी हमारे भाई की जमानत में मुझे पैसा देना था, जरूरत थी, तो इसलिए उधार लिया था पैसा वहाँ देने के लिए, वो घर में ही था रखा हुआ। इसके अलावा भाई जेल में है, जब जमानत की बात आ रही है तो? हाँ, वो हमारे घर में एक हादसा हो गया था। क्या हादसा हुआ था? तो छोटी वाली भाभी हमारी, उन्होंने सुसाइड किया था। अच्छा अच्छा, तो 498 का या दहेज का या उस तरीके का मुकदमा है उसी अपराध में, जेल में है। चलिए, लगभग किस समय घटना घटित होगी, कुछ जानकारी है आप लोगों को? कल शाम पड़ोस में हमारी बुआ रहती है, उनसे हमने दिखवाया था घर का दरवाजा वगैरह, देख लेना ताले वगैरह सब सही है, तो शाम तक हमारे घर में सब ठीक ठाक था बिल्कुल। रोज मतलब उन्होंने कल भी देखा था। क्या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है? पुलिस में अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, अभी हम जाएंगे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, बाकी पुलिस आकर के सब जो भी उनकी कार्यवाही होती है वो अपने लेकर गए हैं। सारे ताले टूटे हुए हैं, सारे खाली डूबे हैं, वो आपने देखे होंगे, सारे जेवर के खाली डूबे सब ऐसे पड़े हुए हैं, जेवर तो हमारे घर का सहारा चला गया। लगभग कितने लाख का सामान गया होगा अभी तक, आपके आंकड़े जो लगे हैं? जेवर जेवरी कितने, एलईडी या जो कुछ दिख रहा है सामने अभी तक, जो सामान उखड़ा पड़ा है? कम से कम 5-6 लाख का तो हमारा सारा सामान चला गया।